शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन VCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दर्शक नमस्कार। इन VCN के लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्ट की क्या हुई है हालत और सरकार क्या दे रही है ध्यान, इस बात करने के लिए इस समय में हमारे साथ में फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे दो पैनलिस्ट। मैं दोनों पैनलिस्ट का सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा। मैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, हमारे पहले मेहमान है मुकेश गुप्ता साहब जो कि गुजरात से जुड़ चुके हैं, तो वहीं नागपुर के हिंगना से हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान संघर्ष लोखंडे जी है। मैं मेरे दोनों मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। लेकिन दर्शकों, कार्यक्रम के पहले में मैं अपने दोनों मेहमानों के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अपने पहले मेहमान मुकेश गुप्ता साहब के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मुकेश साहब, आप 1987 में आपने MBA HR किया है और पिछले आठ साल से आप सोशल सर्विसेज में बढ़िया कामकाज आप कर रहे हो। इतना नहीं तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो एसोसिएशन है, जो एफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें भी आपका काफी अच्छा कामकाज शुरू है। तो दर्शकों, हम हमारे मेहमान गुप्ता साहब से भी बात करेंगे। जो हमारे दूसरे जो मेहमान जुड़ चुके हैं संघर्ष लोखंडे साहब, संघर्ष लोखंडे साहब के बारे में मैं यही बता देना चाहता हूँ कि संघर्ष जी, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंगना के उपाध्यक्ष हो और छत्रपति शिवाजी महाराज महान चालक संचालक एसोसिएशन के आप राष्ट्रीय प्रभारी हो। तो मेरे दोनों मेहमानों का मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। मेरा पहला सवाल है आज के हमारे मेहमान मुकेश गुप्ता साहब से। मुकेश गुप्ता साहब, ये बताइए कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कामकाज करता है, किसी को समय नहीं मिलता है। ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है, ऐसे में जो ह्यूमन राइट जो एक बड़ी बात जो है वो उसकी संकल्पना किस प्रकार की है, अगर आपको डिफाइन करना है तो किस प्रकार करोगे आप? सर, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आदमी के लिए ये पांच हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत जरूरी है कि एक तो किसी के साथ में हम किसी को मतभेद नहीं कर सकते कास्ट वाइज, कोई भी कास्ट के हिसाब से हम किसी को मतभेद नहीं कर सकते हैं। किसी कोई गरीब है या अमीर है उसका हम लोग उसको मतभेद नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, हम कलर के ऊपर कास्ट के ऊपर किसी को भी हम मतभेद नहीं कर सकते हैं। हमारे पांच जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बेसिस पे हम किसी भी चीज़ के लिए, हम किसी को भी ऐसी कोई भी जिंदगी है उसमें हम किसी के लिए मतभेद नहीं कर सकते और किसी को भी मेंटल टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, किसी का इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। हर किसी को सम्मान देना हमारा एक मानव अधिकार का धर्म बन जाता है। दिस इज द फंडामेंटल राइट्स और ये हमारी ह्यूमन राइट्स हैं जिसके लिए अगर किसी आदमी को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे संविधान बने हुए हैं जहां वो मानव अधिकार के अंदर जाके इस चीज के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है। और इसके लिए हमारी संस्था पिछले 8 साल से काम कर रही है और ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी का अधिकार बराबर है, वो चाहे कोई भी करोड़पति हो या कोई भी एक रोडपति हो, कोई भी हो, वो चाहे एक ड्राइवर हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या वो रेलवे का ड्राइवर हो या पायलट हो उसका भी उतना ही अधिकार है और एक ट्रक ड्राइवर है उसका भी उतना अधिकार है, सभी का अधिकार बराबर है। इसलिए इक्वल रहने के साथ में ही हम ये काम करते हैं, यही हमारा मानव अधिकार। लेकिन गुप्ता साहब, आए दिन ऐसा दिखाई दे रहा है जहां आपने पायलट की बात किया तो उसे तो सम्मान मिलता है, हर कोई सैल्यूट करता है, मगर जो पाथ पे जो चलता है, पूरे भारतवर्ष में जो भ्रमण करता है, माल लेके जाता है और दिन रात ट्रक जो चलाता है, ऐसे हमारे जो ट्रक भाई लोग हैं उनके साथ में उनका सम्मान कम किया जाता है, उनकी तोहिन बार बार उनकी तोहिन की जाती है, उनको नीचा दिखाया जाता है, मानो जैसे वो इस देश का या इस लोकतंत्र का कोई हिस्सा न हो। अगर ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है तो ऐसे समय में मानवाधिकार उनके लिए क्या काम करना चाहेंगे या आपकी जैसी जो संस्था है उनके पीछे में किस तरह से आप खड़े हो? सर देखिए, ये जो ड्राइवर्स जो हैं ये एक बहुत ही समाज की बहुत एक इज्जतदार, ये हमारा जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर मानव का एक अधिकार होता है जी। तो उसके लिए वो लोग भी उतने ही इज्जत के अधिकारी हैं जितना कि एक पायलट को मिलता है। लेकिन वो भी एक पायलट है, वो हमारे रोड पायलट है और जो पायलट है वो हमारे एयर पायलट बोलते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी पूना के अंदर 2018 में हमारी मीटिंग हुई जॉइंट एक्शन कमेटी, और वहां पे हम सभी लोगों ने इस जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर ये डिसाइड किया
कि जितने भी हमारे जो पायलट हैं, रोड पायलट हैं, उन लोगों के साथ में, उन लोगों को बेचारों को रात को सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, ट्रक के नीचे सो जाते हैं, उनकी बीवी बच्चे उनको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके साथ में बहुत सारा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है। और ये बात अलग है कि जन जागृति बहुत समय के बाद में आई है, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ में हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी पूरा सम्मान मिले, उन लोगों को भी पूरा न्याय मिले। और उनके केसेस के अंदर जो अगर कुछ इन केसेस कभी भी रोड एक्सीडेंट्स कुछ ऐसा होता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग पूरी तरीके से न्याय के साथ में उनको लड़ें। और जो हक जो एयर पायलट को मिलता है, वो हक हमारे रोड ड्राइवर्स को भी मिले, क्योंकि वो भी उतना उसी चीज में उतने ही हकदार हैं जितना कि हमारा एयर पायलट होते हैं। बहुत काफी अच्छी जानकारी थी मुकेश गुप्ता साहब ने। मुकेश गुप्ता साहब ने जिस बारे में जो वर्णन जो किया है, उसका बहुत ही बहुत बेहतरीन तरीके से किया है कि अक्सर यह देखा जाता है कि ऊपर के पायलट को तो हर कोई सलाम करता है, मगर नीचे का जो रोड का पायलट है उसे सलाम नहीं करता। मगर समय अब आ चुका है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का पायलट हो, दोनों को सलाम करना है, क्योंकि जब तक हम उन्हें सलाम नहीं करेंगे तब तक हमारा कामकाज कैसा होगा। सलाम करने का मतलब उनसे जब भी दिखे तो सलाम सलाम नहीं करना है, बल्कि उनको वो सम्मान देना है। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि चाहे चेक पोस्ट हो या आरटीओ के अधिकारी हो, उनका जो मतलब उनको जो एक्सप्लॉयटेशन उनका जो कर रहे हैं, उनकी मानसिकता जो खराब कर रहे हैं, उनमें से उनको निकालना बेहद जरूरी है। ऐसा मुकेश गुप्ता साहब को लग रहा हो और उनका ये अगर मानना है, लगता है, तो ये 100% ठीक है। मैं पढ़ता हूँ हमारे दूसरे मेहमान की ओर, संघर्ष लोखंडे, वो भी हमसे जुड़ चुके। संघर्ष साहब, ये बताइए कि आप तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा महाराष्ट्र के दैवत जी में कहते हैं का जो नाम है, उस नाम से आप वाहन चालक संचालक हो, उस एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रभारी हो, और साथ ही साथ आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हिंगना के उपाध्यक्ष हो। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये जो ड्राइवर हो या ट्रक मालिकों को जो लूटा जा रहा है, जो डकैती हो रही है, आपके ही पक्ष का वहां पे बोलबाला है, सरकार है, आप एक प्रभारी हो, आप अपनी सरकार को ये जो बातें हैं उनसे किस प्रकार से अवगत कराओगे? संगठ जी। हाँ सर, यही हम देखते हैं कि हर एक राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, हर एक पार्टी को अपना अपना जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है जी। और सपोज जैसे अभी कुछ मैंने पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, तो होता क्या है सर कि जो प्रोटोकॉल बन जाता है तो वो प्रोटोकॉल एक पार्टी को दूसरे पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है सर, ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम में चल रहा है, सत्ताएँ चेंज होती है, सत्ताएँ चेंज होती है, पर जो व्यवस्था है, व्यवस्था वैसी की वैसी ही चलती है। चाहे आप रिपोर्टर सर, आपने भी देखा होगा, आपने राउंड रिपोर्ट पर जाते होंगे, सत्ताएँ चेंज होती है, पर जो सिस्टम है, सिस्टम की जो कार्य प्रणाली है, तो वो वैसे की वैसे ही चलती है। अब सर होता क्या है कि जब हम जी कहिए संघर्ष जी, आपकी आवाज हम तक सही पहुंच नहीं रही है, फिर से हम रुक करना चाहेंगे हमारे मेहमान मुकेश गुप्ता साहब के और। मुकेश जी, ये बताइए कि जैसे आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात तो किया, मानवाधिकार करते हुए लोग कामकाज कर रहे, मगर जब सही माने में अगर पुलिस थाने में यदि कोई शिकायत करने जाता है तो कोई उस मानवाधिकार का कितना महत्व होता है, या अक्सर ये देखा गया है कि मानवाधिकार को लोग पूरी तरह से उसका पालन नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो मानवाधिकार का पालन नहीं करते या मानवाधिकार के नाम के साथ रहते हुए अपने जो अलग अलग कामकाज करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? सर, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंडिया के अंदर मोर देन 20,000 संस्था मानवाधिकार के नाम से चल रही है, जो छोटी छोटी संस्था है, छोटी छोटी एनजीओ है, इस टाइप से लेके बैठ गए हैं जी, तो जी। उनके उनको खुद ये नॉलेज नहीं होती है कि कितने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ में ड्यूटीज क्या हैं, आर्टिकल कितने हैं, यूएनओ में कब तैयार हुआ। तो आप एक चीज ये मेरे को बताएंगे कि जब तक किसी चीज को, अभी कोई भी हम मोबाइल बेचने के लिए जा रहे हैं और हमको मोबाइल का पूरा फंडामेंटल मालूम नहीं है कि मोबाइल किस टाइप से है, कितने जीबी है, कितना कार्ड है, किस टाइप से है, जब तक हमको किसी चीज का प्रोडक्ट का मालूम नहीं होगा, हम किस उसको किस टाइप से किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सपोज कोई एक एडवोकेट है, वकील है, वकील तो बहुत सारे मिलते हैं, आप एडवोकेट जाएंगे किसी भी जगह कोर्ट में जाएंगे,
तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वकील होते हैं, लेकिन उसके अंदर से कुछ वकील ऐसे होते हैं जिनका कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत फेमस होते हैं। उनका कारण क्या है कि वो कानून की पूरी तरीके से नॉलेज लेते हैं, कौन सी धारा कब कहाँ लेने का है, किस टाइप से करना है, उसके बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज होती है। तो जो नॉलेजेबल पर्सन है वो हर जगह जाके अपनी चीज को किसी के सामने रख सकता है, किसी को बता सकता है, किसी को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर किसी के अंदर नॉलेज ही नहीं है, जो खाली पैसा कमाने के लिए बैठ गया है कि भाई हम ये संस्था लेके चला रहे हैं और इसको हम लोगों को खाली लोगों को रुआब दिखाने के लिए या किसी को करने के लिए ऐसा करने के लिए कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि किसी चीज को करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उस चीज के लिए पहले जरूरी है कि पहले उस चीज की नॉलेज ली जाए और नॉलेज लेने के बाद में उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो ये जो पुलिस स्टेशन वगैरह में जो होता है, तो जब तक किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है कि ये पुलिस वाले, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, ये सभी हमारे रक्षण के लिए हैं, हमारे संरक्षक के लिए, मनुष्य के संरक्षक के लिए। वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन उनको सही तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे करना है। हमारे को किसी चीज का, सपोज अगर कोई ड्राइवर है, उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और उससे कोई एक्सीडेंट होता है, बाद में अगर वो कोई पुलिस वाला उसको पूछता है कि भाई, तो वो फॉल्ट में आ जाता है कि भाई उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस भी इसको क्लेम नहीं होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर कोई उसके साथ में मिलके उसको बोलता है कि भाई ये ड्राइवर सही है, पुलिस गलत कर रही है, तो वो गलत, वहां गलत है। लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में पुलिस उसको प्रताड़ना कर रही है, तो वह वहां पुलिस वाला गलत है। तो हर चीज को देखते हुए, तालमेल करते हुए उस चीज को देखा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ सही है, और उसके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है नॉलेज। मुकेश गुप्ता साहब, एक सवाल मेरा यही था, जब इंश्योरेंस की बात निकली है तो अक्सर यह देखा जाता है कि जो ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चलाते समय यदि एक्सीडेंट होता है तो उन्हें इंश्योरेंस मिलता है, मगर कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं कि बीच सड़क में जब उन्हें प्यास लगती है या जब ट्रकों में जब पानी डालने की जब बात आती है, तो ऐसे समय में वो किसी तालाब के पास जाते हैं और तालाब में जाने से पहले अगर उनका पांव फिसल जाता है, उनकी डेथ अगर वहां होती है, तो उन्हें इंश्योरेंस क्यों नहीं मिलता? क्या वे ड्राइवर वहां नहीं होते? क्या वो अपने खुद अलग काम होता है? क्या कहना चाहोगे उस पर? उन्होंने मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए उन्हें इंश्योरेंस? सर, ये जो इंश्योरेंस होता है, कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होती है या नेचुरल, अगर डिपेंड्स करता है कि कौन सी पॉलिसी ली है उन्होंने, किस किस पॉलिसी के अगेंस्ट में उन्होंने किया है, तो वो वहां से उनको मालूम पड़ता है। अगर उनका पाँव ऑन द ड्यूटी, अगर वो ऑन ड्यूटी मतलब वो ट्रक लेकर जा रहे हैं या इट मीन ऑन ड्यूटी है, अगर वो पानी पीने के लिए जा रहे हैं, अगर वो पानी पीने के लिए जा रहे हैं, उनका पैर स्लिप होता है, तो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर उस कंडीशन में उन्होंने ड्रिंक किया हुआ है, तो उनको फिर वो उस समय एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम होता है, जब उनका उनका रिपोर्ट किया जाता है, अगर वो ड्रिंक किए जो होते हैं, उनके उनके बॉडी के ब्लड के अंदर पाया जाता है, उस समय इंश्योरेंस वाले थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्शन उठाते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रिंक करने के बारे में ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस तो हैं ही। ये बात सही है, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी जब पानी भरने जाता है, जब पांव स्लिप होता है, तो उन्हें इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। उनको बार बार यही कहा जाता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए उतरे थे, कहने का मतलब आपको प्यास लगी थी, आपको आप ऑन रोड आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और इस तरह के इसको जो एक्सीडेंट होते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि उन्हें इंश्योरेंस क्यों नहीं मिला, जो मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलता है। और दूसरा सवाल यह था कि बहुत से कुछ ऐसे भी ड्राइवर देखने में आ गए, हमारे भी शहर में देखने में आए, कि उन्हें सुबह सुबह गाड़ी लोड करके पूरा निकलना होता है कई दूसरे राज्यों में, तो अक्सर ये देखा गया कि कुछ ड्राइवर ऊपर में सोना पसंद इसलिए करते ताकि सुबह जल्दी जल्दी वो लूट पाए, और जब कोई ड्राइवर सुबह उठता है, गाड़ी लोड रहती है, अब उसको निकलना है, गाड़ी उतरते समय अगर उसको नीचे गिरता है, कई गिरे है ड्राइवर, और उसमें भी उसकी डेथ हुई है, तो उसे इंश्योरेंस तब भी पॉलिसी को उसकी जो है उसकी जो बनना चाहिए वो बनती नहीं, इंश्योरेंस क्लेम बनता नहीं है। आपको क्या लगता है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए सर, इंश्योरेंस मिलना चाहिए उसको। अगर कोई भी टाइम में ऐसे समय में अगर कहीं से भी रोड पैर स्लिप हो जाता है, पानी भरते हुए होता है, ट्रक से गिर जाता है, तो उसको इंश्योरेंस मिलना ही चाहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो RDI जो हमारा जो इंश्योरेंस अथॉरिटी है, उनको कंप्लेंट करना चाहिए। एक्चुअली ड्राइवर्स लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि कौन से क्लॉज के अंदर क्या होता है, इसलिए उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो उसके लिए उनको प्रॉपर हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें लिटरेसी फील्ड में है, जो एडवोकेट्स हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, तो अगर इस टाइप के केसेस होते हैं तो हम लोगों तक पहुंचता करें,
हम उनकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उनको पूरा इंश्योरेंस मिले। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हर जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं हर एक के ट्रक में इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में उनके जो फंडामेंटल जो राइट्स है उनका एक कागजात कम से कम वहां डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लगना चाहिए, ताकि वे अपने जिस प्रकार से भगवान की तस्वीर जो रखते हैं ठीक तरीके से वो कागज भी अगर लगा के रखा तो उन्हें पता चलेगा कि अपने क्या क्या राइट्स है, किस तरह के अपने क्या मिलना है, यानी उन्हें असुविधाएं नहीं होगी। और वो हिंदी में लिखना चाहिए या जिसको जो भाषा में समझती है उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, यह ऐसा हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, क्या इस प्रकार की पहल करना बराबर होगा नहीं होगा? सर ये पहल करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा पहल करना ये जरूरी है कि ड्राइवर्स को हर 6 महीने में, हर 1 साल में कम से कम 1 दिन का पूरा ट्रेनिंग सेफ्टी एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, सेफ्टी मेजरमेंट से रिलेटेड, या और क्या क्या डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, 1 दिन की साल में एक बार ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। और 1 दिन उनके साथ में एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, उनके साथ में हंसना चाहिए, उनको प्राणायाम योगा भी सिखाना चाहिए, जिससे कि वो हेल्थी लाइफ जी सकें। क्योंकि वो 12-12 घंटे 15-15, 20-20 घंटे ड्राइविंग करते हैं कंटिन्यूसली, 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो वो भी मेंटल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारी क्या लाइफ में कैसा फ्यूचर क्या है, हमारा बच्चों को भी बारे में नहीं सो पाते। यही रीजन है जिसकी वजह से वो लिक्विड का यूज करते हैं, क्योंकि अपनी को जगाने के लिए, अपने को ज्यादा एक्साइटेड, अपने को ज्यादा पावरफुल करने के लिए वो इस चीज का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से हर ड्राइवर को एटलीस्ट जो उनके ट्रांसपोर्ट के जो इंचार्ज ऑफिसर है या ट्रांसपोर्ट के जो ऑनर है जी, उनको उनको उनके लिए 2 दिन का 1 दिन का कैंप रखना चाहिए, जिसमें कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उनके अधिकार हैं क्या नहीं है, मेजरमेंट अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी उनको रखना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे करना है, किस टाइप से करना है, वो भी उनको नॉलेज देना चाहिए, जिससे कि जब तक कोई डॉक्टर आए तो कोई अगर उसको उस समय इमरजेंसी उसको कुछ भी अगर फर्स्ट एड देने का है तो वो अपने जो असिस्टेंट है या वो जो उनका असिस्टेंट है वो ड्राइवर को किस टाइम से एक दूसरे को वो उनको असिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी लाइफ बच सके। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हर किसी को ये ट्रेनिंग देना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने में नहीं तो साल में 2 दिन का ट्रेनिंग तो कंपलसरी होना ही चाहिए। ये एक मानवाधिकार है सर, ये जरूरी। बिल्कुल, गुजरात से जुड़े हमारे मेहमान मुकेश गुप्ता साहब ने जिस अंदाज में ये जो बात की है तारीफ है काबिल कही है, मैं तो सलाम करूंगा आपकी इन बातों को। और आपकी इन बातों को ट्रक मालिक हो या एसोसिएशन के कोई पदाधिकारी लोग हो, इन्होंने ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और जिस प्रकार का आपने कहा कि इनका वर्क जो एक कार्यशाला जिसे कहते हैं कार्यशाला लेना चाहिए, ये बेहद जरूरी उन लोगों के लिए है जो अपने सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, जो अपनी मानसिकता का ध्यान रखना चाहते हैं, जो फिट रहना चाहते हैं और अपने कामकाज 100% मजबूती के साथ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग 1-2 दिन का ट्रेनिंग उनके मालिकों के साथ हंसी खुशी सब खुशी से काम होना चाहिए और उन लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। काफी अच्छी बातों के जरिए ये पहल आपने किया और बहुत जल्दी ट्रक मालिक एसोसिएशन हो या अन्य जो पदाधिकारी इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बढ़ना चाहूंगा फिर से एक बार हमारे मेहमान संघर्ष लोखंडे साहब, आप यही बताइए कि अब तक के नागपुर में जिस प्रकार से जो कामकाज रहा है ट्रक ड्राइवरों को लेकर के, उनके ऊपर ये कहा जाता है कि वे लोग भी मानते नहीं है, कई ट्रैफिक नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत पिए खाए ट्रक चलाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? सर इसमें सच्चाई सिर्फ 30% है, क्योंकि हर ड्राइवर यही चाहता है कि अगर मैं कोई माल लेता हूँ, मैं अपने ट्रक में कोई माल लोड करता हूँ, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से दूसरे पॉइंट तक पहुँचा लूँ। तो सर इसमें जो बताते हैं कि जो ड्राइवर लोग हैं जो दारू पीते हैं या मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखते होंगे कि कोई भी ड्राइवर जब तक ये उसका काम खत्म होता नहीं है तब तक ये वो उस को हाथ नहीं लगाता है। और दूसरी मेन बात सर, जैसे कि हमारे मुकेश गुप्ता जी ने कहा कि जो हमारे ड्राइवर हैं उनकी वर्कशॉप होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे जो हमारे ड्राइवर भाई है उनको जो भी रूल्स है रेगुलेशन है उनका नॉलेज मिल सके। प्रोग्राम सर लोखंडे साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रोग्राम के आखिरी के सेगमेंट में हमें समय काफी कम है,
क्योंकि हमारे मेहमानों को और भी किसी चैनल में जाके इस तरह की बातचीत करना है, अपना पक्ष वहां रखना है। मैं फिर से 2 मिनट लेना चाहूंगा संगर जी, ये बताइए कि अगर सरकार को कोई आपकी तरफ से सुझाव है तो किस प्रकार के सुझाव है, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, बताइएगा लोगों ने। सर हमारा सुझाव एक ही है, जितना हो सके उतना ऑनलाइन लाइए, जितना हो सके उतना उसको जो हमारे डिजिटल पेमेंट होता है डिजिटल पेमेंट उसको और लंबा कीजिए, और उसमें जितना हो सके जो हमारे टोल टैक्स है, टोल नाका है या मॉडल है, उसपे जितना हो सके उतना ऑनलाइन लाइए, क्योंकि ऑनलाइन आने के बाद में जो भी कोई अगर पुलिस वाला है या कोई आईटी वाला है अगर पैसे मांगता है तो हम उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर हमारे पास में कैश नहीं है, हम भीम UPI यूज करते हैं, अगर आपको रिश्वत होना तो आप हमारा आपका पेटीएम नंबर बताएंगे, हम आपके पेटीएम नंबर पे रिश्वत सेंड कर लेंगे। तो सर इससे ये हो गया कि जो सामने पुलिस वाला है वो अपना पेटीएम नंबर लेगा ही नहीं। बिल्कुल, काफी अच्छी जानकारी संघर्ष जी ने आपको दिया। और सर एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के हमने एक अभियान जारी किया है, यहाँ पे रुपए को 1 महीने 1 मिनट के लिए सभी ट्रक ड्राइवरों को हॉर्न बजाना है। अब वो हॉर्न इसमें बजाना है, हम मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जो ड्राइवर का परिवार है उस परिवार को, अगर हमारे ड्राइवर भाई है अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो जो सरकार है जैसे कोरोना वायरस का जो बीमा निकाला हुआ है डॉक्टर। बिल्कुल, इन्होंने भी एक काफी सुझाव यहाँ पे दिया है, अब इनके सुझाव को भी सरकार गौर फरमाए और ध्यान से अगर उन्होंने लिया है तो बहुत जल्दी अमल इसके ऊपर में होना चाहिए। मैं आखिरी के सेगमेंट में जी 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 संगर जी, आपकी बात पूरी तरह से हमने सुन लिया है और आपकी बात इस समय में सरकार के कई ऐसे अधिकारी और लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, उन्होंने ये बात उनके ध्यान तक पहुंच चुकी है। अब मैं बढ़ना चाहता हूँ, आपको भी आखिरी के 2 मिनट दिया जाता है, आखिरी के सेगमेंट में है हमारे जो मेहमान है मुकेश गुप्ता साहब, ये बताइए कि यदि मानवाधिकार नहीं होता तो इस देश की जनता का क्या होता, एक मेरा पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं या सरकार को देना चाहते हैं। सर ये आपको मैं बता दूं कि ये जो मानवाधिकार है ना, इसका वर्ड जो जैसा कि आप बताएंगे कि हमारे दूसरे फॉरेन कंट्रीज हैं लाइक UK है, USA है, वहाँ इसका 90% से अप इसका फॉलोइंग होती है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इसका मानवाधिकार खाली नाम के लिए रखा गया है, इसका फॉलो कहीं नहीं होता है। क्या वजह रहती है इसका? नॉलेज लोग बात समझते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये कोई ऐसी चीज ही नहीं है मानवाधिकार के लिए, गवर्नमेंट इसको एंटी मानती है कि भाई ये लोग जो काम करते हैं वो गलत काम करते हैं। तो ये इस चीज के लिए नॉलेज सबसे पहले तो हर चीज का, अभी बोलते हैं कि जैसे सेक्स बोलते हैं तो सेक्स की नॉलेज अमेरिका कनाडा सभी जगह जो है बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वहाँ फ्री है, वहाँ पे इतने ज्यादा रेप्स नहीं होते, वहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज है। यहाँ किसी को कोई नॉलेज देने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी जगह, कोई भी कितनी सारी जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है किसी जगह, इंडिया में किसी जगह ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनी नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया है वो कुछ इतना कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है, तो उसका प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। अगर इसके बारे में सचमुच में किसी को नॉलेज दिया जाए कि भाई आपको इसको पढ़ो, उसको समझो, इसको कैसे करना है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली ये यूजफुल रहेगा हर आदमी के लिए। जैसे हमारा आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क है वहां पे भी इस चीज के लिए ये इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स हैं, या हमारे जो जो सोशल वर्किंग का जो कोर्सेज होते हैं उसके लिए अलग से एक चैप्टर्स होता है जहाँ ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, मानव की वैल्यू क्या है, तो उसके बारे में हमको बताया जाता है। हम मानव है ही नहीं, हम दानव बन के काम कर रहे हैं। हमारा एक मानव एक ऐसा होता है जैसे कि किसी को कुछ पैसे मिलते हैं तो वो सोचता है कि भाई चलो मैं अच्छा काम करूं, लेकिन यहाँ कहाँ सोचते हैं, 100 रुपए मिलते हैं तो 500 रुपए लेने की उम्मीद रखते हैं, किसी को चीट करने की, किसी को हिट करने की, किसी से कुछ करने की, ऐसी करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका रीजन क्या है कि जो ट्रक ड्राइवर्स को आप पूछिए उनको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक एजुकेशन दिया ही नहीं जाता है, कोई भी ट्रक ड्राइवर का जो ऑनर होता है वो उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करता ही नहीं है, वो ऐसा बोलता है भाई काम नहीं करेगा तो तेरे को पैसे नहीं दूंगा, जबकि उसका बिजनेस जो ऑनर का बिजनेस है वो टोटल ड्राइवर के ऊपर ही करता है। अगर ड्राइवर
आज काम करना कोई भी ड्राइवर होता है ए टू जेड, अगर वो ड्राइवर काम करना बंद कर देगा तो उसके जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए के ट्रक है उनकी क्या वैल्यू है? सही। आज मुकेश अंबानी या कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर उसके पास 5,000 करोड़ का माल पड़ा हुआ है फैक्ट्री में और उसको लेके आना है दिल्ली और वो फैक्ट्री बनी हुई है बॉम्बे में, अगर ट्रक ड्राइवर नहीं है तो सर वो 5,000 करोड़ के माल की वैल्यू जीरो है। वैसे मुकेश अंबानी साहब का अगर आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में 10वें नंबर के पायदान पे मुकेश अंबानी जी का नाम है जी। नहीं वो तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि सर ये ट्रक ड्राइवर भाई जो है हमारे वो ऐसे हैं, उनकी इतनी वैल्यू है कि उनको एजुकेट करना, उनकी हेल्थ चेकअप करना, उनको मेंटल चेकअप करना, ये भी एक अधिकार में आता है। और मैं सभी से ये जो ट्रक ड्राइवर के ओनर हैं या जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं उन सबको मैं बोलूंगा कि अपने ट्रक ड्राइवर जो भाई हैं उनका पूरी तरीके से, और क्या सभी सोसाइटी के सभी लोगों का पूरी तरीके से ध्यान रखें और हम लोग इसके बारे में नॉलेज लें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें। आजकल गूगल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर हर जगह हर चीज अवेलेबल है, लेकिन अगर इसके बारे में अगर किसी को कुछ जानकारी लेना है तो हमारे पास मेल के थ्रू हम सभी को मैसेज दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके चेकअप कर सकते हैं www.hrea.info, वो जाके हमारी वेबसाइट पे जाके हमको मेल करें, हमारा टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हैं। अच्छा, तो गुप्ता साहब आखिरी का मेरा ये जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये है कि यदि आपको शहर भर से या देश से या राज्यों के जो ट्रक मालिक है उन्होंने कहा कि मुकेश गुप्ता साहब आप आइए मानवाधिकार इस विषय को लेकर उनका काउंसिलिंग कीजिए, मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो, ये तमाम जो पहलू है इनके ऊपर उनकी रोशनी डालना है, उनको शिक्षित करना है, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना है और ये कार्यशाला के माध्यम से करना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को कैन यू प्रूव योर एबिलिटी? श्योर सर, मैंने तो ऑलरेडी जो हमारे राजेंद्र पाल सिंह जी जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है चेन्नई से हैं, उनको जिस समय हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी हुई थी पुणे में, मैंने उनको ऑफर भी किया था कि आप मेरे को बुलाइए, मैं हर स्टेट में हर जगह जाके इसके बारे में ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम हर चीज में देने के लिए तैयार हूँ। अभी उस चीज के लिए अगर मेरे को, मैं तो ये देश की सेवा के लिए एक अपना कर्तव्य समझूंगा कि अगर मेरे को कोई बुलाइए तो मैं बहुत खुश होकर इस ट्रेनिंग को देने के लिए तैयार रहूंगा और कहीं पे भी मेरे को किसी भी जगह बुलाएंगे तो आई एम रेडी फॉर गिव द ट्रेनिंग। मैं अपनी संस्था के माध्यम से हर जगह ट्रेनिंग देने के लिए तैयार। तो बिल्कुल काफी अच्छी बात की आज के इस प्रोग्राम में। आज का जो टॉपिक था कि लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टों की जो हालात हुई है उसके ऊपर क्या सरकार देगा ध्यान, इस विषय को लेकर आज हमारे साथ दो हमारे देश के दो ऐसे महान मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके थे जो कि गुजरात से जुड़ चुके थे मुकेश गुप्ता साहब और नागपुर के हिंगना से जुड़ चुके थे संघर्ष लोखंडे साहब। दोनों ने भी अपने विषय को लेकर काफी अच्छी जानकारी दी, बातचीत की और सरकार के ध्यान में कई ऐसी बातें थी जो अब तक उनके कानों में जो जू तक नहीं रेंगती थी, अब इनके हो सकता है कि इनके बातों के चलते हो सकता है कि उनके ऊपर भी कुछ असर गिरे या कुछ वे अच्छा करना चाहते हैं। और खासतौर पे एक बात ये भी थी कि इन्होंने जिस प्रकार से जो अवेयरनेस की जो बात की, जो कार्यशाला चलाने की बात की, उसमें भी इन्होंने काफी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। लोकोटे साहब कुछ आप कहना चाहते? मैं आखिरी का एक मिनट देना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम के हम बिल्कुल अंतिम छोर पे हम खड़े हैं। हाँ सर, जैसे कि मुकेश भैया ने बताया कि हाँ जो आगे सारा है वो रखना चाहिए, तो हमने भी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है तो उनके साथ में मिल के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो ड्राइवर भाई है तो उनके लिए हमने ट्रेनिंग रखी थी, तो उनको सबसे पहले हमने दो मेन बात बताई है कि एक तो दारू को अवॉइड करिए और जितना हो सके उतना जो जो कॉन्डम है कॉन्डम वो यूज करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राइवरों में एक तो दारू की प्रॉब्लम ज़्यादा है और एच आई वी एड्स की। तो हमने उनको जो पूरा जो हमारा वर्कशॉप था, वर्कशॉप में हमने उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए और जितना भी उनको नॉलेज लेना था हमने वहाँ पे उनको लिया है नागपुर में। बिल्कुल काफी अच्छी जानकारी आपने भी दी कि जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से किस प्रकार से पहल की गई है और जो ड्राइवर जो थे बड़ी संख्या में उनको एक काफी अच्छी शिक्षा दी गई है, लेकिन आज का जो समय के मानवाधिकार ये अपना जो फंडामेंटल राइट जो संविधान के अनुसार दिया गया है वो आप उसका कितना इम्प्लीमेंट इस समाज में हो रहा है, इस जो तमाम जो सरकारी और जो बगैर सरकारी जो ऑफिसेस है उनमें कितना इसका प्रभाव है, क्या कामकाज हो रहा है नहीं हो रहा है, गरीबों तो कहाँ, गरीबों से लेके जो रईस लोग है उन सबके लिए मानवाधिकार ये सबसे बड़ा एक ऐसा अधिकार है
जिसका यूज लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुकेश गुप्ता साहब ने ये कहा कि लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और ये बात सही कहा उन्होंने कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा कहा जाता है। यदि हम अच्छी शिक्षा लेते हैं और पढ़ लेते हैं और उसके उस नॉलेज उस विषय को लेकर अच्छा नॉलेज प्राप्त करते हैं तो यकीनन हम मजबूत और हमारे साथ हमारा देश मजबूत होगा, इसमें कोई भी दोहरा नहीं कतई संदेह नहीं है। तो दर्शकों अगली बार अगले टॉपिक करके हम फिर से हमारे दो ऐसे मेहमान तीन मेहमानों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल NBCN न्यूज चैनल, जो कि इस समय में पूरा भारत वर्ष यह प्रोग्राम लाइव फेसबुक और केबल के माध्यम से देख रहा है। मैं दोनों मेहमानों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसी के साथ यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार।